हेलो गाइस, वेलकम टू एबी एजुकेशन। ये लेक्चर नंबर थर्ड है बायो मॉलिक्यूल्स का। लेक्चर नंबर टू तक हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमने कवर कर चुके थे, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। इस वाले टॉपिक को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा होना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर ये लेक्चर नंबर फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो आपको ये वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा। जिसने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है उसको मैं एक बार ब्रीफ में इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हम लिविंग टिश्यू को लेते हैं और उसको ग्राइंड कर देते हैं, किसमें, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में हम लिविंग टिश्यू को ग्राइंड कर देते हैं, और हमें फिर उसके बाद एक स्लरी मिलती है। एंड उस स्लरी को हम क्या करते हैं, चीज़ क्लोथ से फिल्टर करते हैं। हम क्या, सबसे पहले रिपीट करता हूँ मैं, लिविंग टिश्यू को हम ग्राइंड कर देंगे ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में, हमको एक स्लरी मिलेगी और उस स्लरी को हम चीज़ क्लोथ से फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद दो दो फ्रैक्शन हमें मिलेंगे, एक होएगा एसिड सॉल्यूबल पूल और एक होएगा एसिड इनसॉल्यूबल पूल। एसिड सॉल्यूबल पूल को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और एसिड इनसॉल्यूबल पूल को हम बोलते हैं रिटेंटेट। जो फिल्ट्रेट होता है ना, ये फिल्टर हो जाता है, ये क्लोथ से नीचे आ जाता है फिल्टर होकर, और उसमें जो फिल्टर होता है ना, वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिल्टर होकर नीचे आ जाता है, उसे बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, लाइक अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेसिस, लिपिड्स। एंड जो एसिड इनसॉल्यूबल पूल होते हैं ना उसको हम बोलते हैं रिटेंटेट, और उसमें मेजरली जो रहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जिनका वेट क्या रहता है, मोर देन 1000 डाल्टन होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड लिपिड्स। जो लिपिड्स होते हैं ना, ये एक्सेप्शन है, जो लिपिड्स होते हैं होते ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बट स्टिल ये कहाँ मिलते हैं हमें, कहाँ पे, एसिड इनसॉल्यूबल पूल में। आप देख रहे होंगे कि लिपिड्स यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो लिपिड्स होते हैं, होते तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमें मिलते कहाँ पे हैं, एसिड इनसॉल्यूबल पूल में मिलते हैं। मिलते हमें वो क्लोथ, जब हम फिल्टर करते हैं ना स्लरी को, तो वो क्लोथ के ऊपर मिलते हैं हमेशा ही, वो नीचे नहीं मिलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं मिलते हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं। इसी का हम रीज़न आगे जानेंगे। इसके बाद मैं अब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाला टॉपिक समझाऊंगा। अभी तक मैंने पुरानी रिवीजन कराई थी, जो लेक्चर नंबर वन में करवाई थी मैंने। तो देखिए, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज़, हमने देखा था एसिड सॉल्यूबल पूल जिसको हम फिल्ट्रेट भी बोलते हैं, उसमें मेजरली क्या थे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था ना वो होता है 18 से लेकर 800 डाल्टन तक, यानी कि 1000 डाल्टन से हमेशा उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम ही होएगा, और उनको बोलते हैं हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जो एसिड सॉल्यूबल पूल होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को, रफली रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसिड सॉल्यूबल पूल किसको रिप्रेजेंट करता है, साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो साइटोप्लाज्म सेल, हमने क्या किया था, टिश्यू को ग्राइंड किया था ना, तो जो सेल के ग्राइंड होने से जो एसिड्स इनसॉल्यूबल, जो एसिड सॉल्यूबल पूल बना था वो क्या आ जाता है, मेजरली वो साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन, जो भी साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म का जो कॉम्पोजिशन था वो सारा किसमें आ गया, एसिड सॉल्यूबल पूल में। अब एसिड इनसॉल्यूबल पूल में क्या आया, जो कि साइटोप्लाज्म में मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, मैक्रो मॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म में थे वो, तो वो किस में आए, एसिड इनसॉल्यूबल पूल में, वो चीज़ क्लोथ के ऊपर ही रह गए, रिटेंटेड में रह गए। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन है, वो हमें कहाँ पे मिले, एसिड इनसॉल्यूबल पूल में। इसमें एक एक्सेप्शन है, जो लिपिड्स होते हैं ना, जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है लेस देन 1000 डाल्टन, मतलब वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट स्टिल वो कहाँ पे हमको मिलते हैं, एसिड इनसॉल्यूबल पूल यानी कि रिटेंटेड में हमको मिलते हैं वो। ये एक्सेप्शन है, इसका मैं पूरा आगे रीज़न दूंगा अभी। अब जो एसिड इनसॉल्यूबल पूल में और क्या क्या हमें मिला था, 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो प्रोटीन्स हैं ये सब पॉलीमर्स हैं, प्रोटीन्स पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, पॉलीसेक्राइड्स है पॉलीमर किसका है, मोनोसेक्राइड्स का, और लिपिड्स, लिपिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लिपिड एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, एक स्ट्रिक्टली एक क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, बट स्टिल कहाँ पे मिलता है हमको, एसिड इनसॉल्यूबल पूल में मिलता है। रीज़न मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। मॉलिक्यूल्स इन इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन आर पॉलीमेरिक, अभी तक हमने जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे क्या हैं, पॉलीमेरिक हैं, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड पॉलीसेक्राइड्स सब पॉलीमेरिक है, पॉलीमेरिक मतलब पॉलीमर है। इसका एक एक्सेप्शन भी है लिपिड्स, वही वाली बात फिर दोबारा, कि जो लिपिड्स है वो पॉलीमर नहीं है लेकिन फिर भी कहाँ मिला, एसिड इनसॉल्यूबल पूल में। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स इन इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन आर पॉलीमेरिक, पढ़ा चुका हूँ ये तो। मैक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज बिकम्स, जो साइटोप्लाज्म से, जो मेजर जो साइटोप्लाज्म था, जो साइटोप्लाज्म का जो मेजर कॉम्पोजिशन था वो तो एसिड सॉल्यूबल पूल में आ गया, लेकिन जो साइटोप्लाज्म में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे और जो सेल ऑर्गेनेलीज थी,
याद रखना इस बात को, ये वाली लाइन यहाँ पे थी एसिड सॉल्यूबल पूल में और ये वाली लाइन एसिड इन सॉल्यूबल पूल में। इस लाइन में और इस लाइन में क्या फ़र्क है, समझने वाली बात है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म का जो मेजर हिस्सा था ना वो तो चला गया एसिड इन सॉल्यूबल पूल में। अब मैंने कहा कि मेजर हिस्सा गया लेकिन कुछ हिस्सा नहीं गया, और वो कौन सा हिस्सा है कि जो साइटोप्लाज्म में मैक्रो मॉलिक्यूल्स से, मैक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज बिकम एसिड इन सॉल्यूबल पूल। ये बात समझ आ गई। हैंस मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, एसिड इन सॉल्यूबल पूल या फिर रिटेंटेट को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, यानी कि क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड आर। अब लेकिन फिर भी हमें देखते हैं कि एसिड इन सॉल्यूबल पूल में क्यों मिलता है लिपिड्स। ये अकेले लिपिड्स हमेशा कभी भी ना अकेले प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए नॉट प्रेजेंट एज सच एंड ऑल्सो अरेंज इन टू सेल मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज होते हैं एंड अदर मेम्ब्रेन के साथ हमेशा अटैच होते हैं। और जब हम इसको ग्राइंड करते हैं, वैन वी ग्राइंड टिश्यू, और जब हम सेल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं और जब ग्राइंड करते हैं, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं होता ये, क्या होता है, लिपिड्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स बट स्टिल फाउंड इन एसिड इन सॉल्यूबल फ्रैक्शन। सेल मेम्ब्रेन्स एंड अदर मेम्ब्रेन्स, जो अभी मैंने बताया कि जो लिपिड्स होते हैं ये कभी हमेशा अब कभी भी अकेले प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और अदर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। जब हम लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो जो ये इनके क्या होते हैं, ब्रोकन इंटू स्मॉलर पीसेज, ब्रोकन ये छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं लिपिड्स एंड फॉर्म्स वेसिकल फॉर्म कर लेते हैं, और जो वो वेसिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं और क्या हो जाते हैं, एंड गेट सेपरेटेड एज इन एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं, लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन के साथ अरेंज मिलते हैं एंड अदर मेम्ब्रेन के साथ अरेंज मिलते हैं, जब हम इसको ग्राइंड करते हैं तो ये स्मॉलर पीसीज में ब्रोक हो जाते हैं, और उन स्मॉलर पीसीज को हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स, और वो वेसिकल्स क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं एंड गेट सेपरेटेड एज एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन। उम्मीद है आपको लिपिड्स समझ आ गया होगा लिपिड्स के बारे में, और अगर इसमें डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर मैं इसको दोबारा से बता दूंगा। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स पॉलीमर होता है, प्रोटीन्स क्या होता है, पॉलीमर होता है, और इसका मोनोमर होता है अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो किसके साथ, इंडिविजुअल जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। अब जो प्रोटीन होते हैं वो बने किससे होते हैं, अमीनो एसिड से, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड एंड ऐसे बहुत सारे, पूरी लंबी चेन होती है। इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, और क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बना लेते हैं, इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं अमीनो एसिड, इसीलिए प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, पॉली पेप्टाइड, और लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये तो। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर, एज प्रोटीन्स को हेट्रोपॉलीमर क्यों बोलते हैं, अब जब पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़ते हैं हम 12th क्लास में, उसमें दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, एक होते हैं हेट्रोपॉलीमर और एक होते हैं होमोपॉलीमर्स, जिसके रिपीटिंग यूनिट अलग अलग होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम हेट्रोपॉलीमर, मतलब अलग अलग। अब आप सोचोगे कि भाई एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, सारे तो अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं, एक ही अमीनो एसिड प्रोटीन को रिपीट होकर नहीं बनाता है, अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन को बनाते हैं, और इसीलिए प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर होता है ये। अमीनो एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है असेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होता है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। जो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, असेंशियल मतलब जो जरूरी है। अब जरूरी क्या चीज़ है, जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें वो अपनी डाइट में इनटेक करने पड़ते हैं, हमको वो खाने पड़ते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से लेने पड़ते हैं अंदर सप्लीमेंट्स। एंड जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बन जाते हैं, इसलिए वो नॉन असेंशियल होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बन जाते हैं, इसलिए हमको इनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन असेंशियल। ये बात आपको समझ आ गई होगी, असेंशियल अमीनो एसिड्स 12th क्लास में हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये ना जाने कितनी बार एग्जाम में, नीट में पूछा जा रखा है, एक होता है रूबिस्को, रूबिस्को क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो क्या है, रूबिस्को, और कोलेजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। अब हम इस बात इसको याद कैसे करना है, जो कोलेजन होता है ना, कोलेजन हम एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो इसीलिए याद रखना कि ये किस में मोस्ट अबंडेंट है, एनिमल वर्ल्ड में, और रूबिस्को तो हम पढ़ते हैं 13th चैप्टर में, प्लांट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, उस वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। जो रूबिस्को होता है वो क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड, और जो रूबिस्को होता है वो क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट इन होल बायोस्फीयर।
रुबिस्को का ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट्स नीट में तो आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन। एंड रूबी इसकी जो फुल फॉर्म है रुबिस्को, इसका नाम कैसे पड़ा? रिबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसको 13th चैप्टर में, जो कि फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, हम इस शब्द को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया। एनसीईआरटी में जो इसका अगला टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है पॉलीसेक्राइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, और उसके बाद हमको दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के साथ ही मैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको पढ़ा देता हूँ, और जो पॉलीसेक्राइड वाला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड वाला इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स के चार स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। हम चारों स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, लीनियर स्ट्रक्चर, पहले ये देख लेते हैं। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रिंग्स मतलब चेन की तरह जुड़ी हुई होती हैं, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड तीसरा अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। और बायोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब कितने लेवल किए? 4 लेवल। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के 4 लेवल बायोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किए। प्राइमरी स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब फर्स्ट जो लेफ्ट वाला एंड होएगा ना, उसका जो फर्स्ट अमीनो एसिड होएगा उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट अमीनो एसिड। और उसको हम क्या बोलते हैं? एंड टर्मिनल। और उस चेन का जो राइट वाला एंड होएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो राइट एंड होएगा उसको बोलते हैं सी टर्मिनल और लास्ट अमीनो एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेफ्ट एंड का जो टर्मिनल है उसको एंड टर्मिनल बोलते हैं, और जो राइट साइड का जो टर्मिनल है उसको बोलते हैं सी टर्मिनल और लास्ट अमीनो एसिड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड एंड टर्मिनल अमीनो एसिड, राइट एंड रिप्रेजेंट लास्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है? दिस टेल्स अस अबाउट पोजीशन इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन, हमें पोजीशन पता चलती है इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स की। जैसे कि हम इसमें देख के बता सकते हैं कि इसमें ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, तो ऐसे पूरी की पूरी क्या है? लीनियर चेन है। तो हमें पोजीशन इंफॉर्मेशन किससे पता चलती है? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस टेल्स अस अबाउट द पोजिशन इन्फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, और जो इसमें इंट्रैक्शंस होती हैं वो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक्ड होता है, मतलब इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड की स्टेबलाइजेशन होती है। प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट, जो जो पूरा प्रोटीन होता है ना वो कभी भी पूरा प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं होता है, वो फोल्डेड होता है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रॉड। वो कहता है लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता पूरा, जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन मिलता है उसमें कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। तो फोल्डिंग्स, थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स के फॉर्म में, हेलिक्स हेलिक्स के फॉर्म में फोल्डेड होता है। रिवॉल्विंग स्टेयर केस, जैसे स्टेयर्स होती है ना, रिवॉल्व होती हैं, रिवॉल्विंग स्टेयर्स, ऊपर 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 ऐसे ऐसे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो अब हम पढ़ेंगे कि फोल्डिंग्स कैसे कैसे होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, कुछ पोर्शन प्रोटीन का क्या होता है? लीनियर थ्रेड आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स सेम एज रिवॉल्विंग स्टेयर केस। इन प्रोटीन्स ओनली, प्रोटीन्स में क्या होता है? ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस, राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। सम, इसको रिपीट कर देता हूँ मैं, सम पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं? लीनियर थ्रेड होता है। कुछ क्या होता है? लीनियर थ्रेड होता है। आर, जो लीनियर थ्रेड होता है वो किसके फॉर्म में अरेंज होता है? हेलिक्स के फॉर्म में, सेम एज रिवॉल्विंग स्टेयर केस, जैसे स्टेयर्स होती हैं रिवॉल्विंग स्टेयर्स होती हैं। इन प्रोटीन्स ओनली, प्रोटीन्स में क्या होता है? ओनली राइट हैंडेड हेलिसिस आर ऑब्जर्व्ड। प्रोटीन्स में सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसिस ऑब्जर्व्ड होते हैं। तो इन प्रोटीन्स, ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिसिस आर ऑब्जर्व्ड। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाइबरस अपीयरेंस का होता है, वाटर इंसॉल्युबल होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो होती हैं पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टू फॉर्म्स होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड। पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना वो किसके फॉर्म में अरेंज होती है? हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होती है। आप देख सकते हैं हेलिक्स ये रिवॉल्व कर रहा है ना, स्टेयर केस, रिवॉल्विंग स्टेयर केस। इसमें देखो ये एक अमीनो एसिड की चेन है, ये अमीनो एसिड की चेन है, तो यानी कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड भी होएगा प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड भी होएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर होएगा? जो ये चेन है ना, ये वाली चेन और ये वाली चेन
बॉन्डेड होंगी किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कौन सी होगी, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब चेन के अपने चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और अल्फा हेलिक्स में ऐसा देखने को मिलता है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होती है, वो हमने देख लिया यहाँ पे। और सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेज आर ऑब्जर्व्ड मोस्ट कॉमन इन प्रोटीन, जो राइट हैंडेड फैशन जो राइट हैंडेड हेलिसेज होते हैं ना, वही मोस्ट कॉमन होती है। अल्फा हेलिक्स के जो एग्जाम्पल हैं वो अल्फा कैरेटीन एंड मायोसिन, एंड इसमें जो अल्फा हेलिक्स में इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व्ड होती है। बीटा प्लेटेड में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ पैरेलल शीट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लो कि ये शीट्स हैं, ये एक चेन और ये दूसरी चेन। अब एक चेन के अंदर पॉलीपेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबलाइजेशन तो है ही है। प्लस इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो इंटर चेन होती है। इंटर मतलब कि दो अलग अलग चेन, इंट्रा मतलब एक ही चेन के बीच में, जो जैसे कि हम देखते थे अल्फा हेलिक्स के केस में। इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर चेन। इस वाली चेन और इस वाली चेन एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगी, और वो किस और कौन सी फोर्स की वजह से अट्रैक्टिव होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इसका हम ध्यान रखना। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। अब फोल्डिंग्स टर्शरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि फोल्डिंग्स और भी ज़्यादा हो जाती हैं। हमने वूल वूल का बॉल देखा है, वूलन बॉल, तो जैसे कि उसमें फोल्डिंग्स होती है ना, तो उसी टाइप की फोल्डिंग होके एक वूलन बॉल बना लेते हैं। लॉन्ग प्रोटीन चेन्स फोल्डेड अपॉन इट्सेल्फ, इतना फोल्ड हो जाता है कि लाइक अ हॉलो वुलन बॉल, हॉलो वुलन बॉल, उसे हम क्या बोलेंगे, वो टर्शरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमको क्या देता है, 3D व्यू ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3D व्यू ऑफ प्रोटीन कौन देता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमें क्या देता है, 3D व्यू ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और लाइन थी, हमने पढ़ी थी प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी पढ़ी थी, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर टेल अस अबाउट पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। वैसे ही वो वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में पढ़ी थी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो हमको किस बारे में बताता है, कि पोजीशन इन्फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। सिमिलरली जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो हमको किस बारे में बताता है, टर्शरी स्ट्रक्चर्स गिव अस 3D व्यू ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नेसेसरीली फॉर मैनी बायोलॉजिकल, जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। अगर मान लीजिए कई, अब आपने पढ़ा होगा डीनेचुरेशन होती है प्रोटीन की, अगर हम क्या करते हैं प्रोटीन को अगर हीट कर देते हैं, तो प्रोटीन हीट करने की वजह से क्या हो जाता है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, वो ब्रेक हो जाता है, और वो किस में वो द्वारा से क्या बन जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसलिए जो टर्शरी स्ट्रक्चर यानी हीट करने पे लूज़ हो जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। प्रोटीन को अगर हम हीट करेंगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है, और टर्शरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी बंद हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं कैसे समझाऊंगा, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर, जो मोस्ट ऑफ एंजाइम्स होते हैं ना वो टर्शरी स्ट्रक्चर, एंजाइम्स में जो प्रोटीन होते हैं ना वो उनमें होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर हम हीट करते हैं ना तो एंजाइम डिग्रेड हो जाते हैं, एंजाइम टूट जाते हैं, क्योंकि हीट करने से जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है। टूटता क्यों है, डीनेचुरेशन हो जाती है प्रोटीन की। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, इसीलिए एंजाइम्स का फंक्शन बंद हो जाता है। तो वैसे ही ये बता रहा है कि अगर टर्शरी स्ट्रक्चर अगर नहीं रहा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं रहेगी। टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से ही बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये मैंने आपको एंजाइम्स के हेल्प की मदद से समझा दिया है। अब एक प्रोटीन होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, अच्छा जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है ग्लोबुलर एंड वाटर सॉल्यूबल होता है। अब देखो ये यहाँ पे हेल्प इस डायग्राम की हेल्प से भी समझा रखा है कि टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉलो वुलन बॉल की तरह होता है। इसमें इंट्रैक्शंस कौन कौन सी होती है, प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस। ये बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केमिस्ट्री में हम 12th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट वहाँ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सम प्रोटीन्स आर, अब देखो एक बॉल है, मान लो ऐसे कि ऐसे ऐसे तीन चार बॉल्स आ जाएं, एक बॉल तीन, दो बॉल तीन बॉल्स, और वो पूरे एक लेयर बना दे, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे,
क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, सम प्रोटीन्स एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की असेंबली हो जाती है, और सब यूनिट्स, द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्रोटीन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और उसे हम क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, आपको इससे समझ आ जाएगा, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके आपको ये समझ आ जाएगा कि जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना ऑफ लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर, मान लीजिए कि ये एक ऊपर ये एक स्फेयर है, इसकी मैं पूरी स्ट्रिंग बना दूँ, ये तो थ्री डी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, लेकिन अगर इसी की पूरी चेन बना दूँ ऐसी 3D की तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलूँगा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये NCERT में एग्जाम्पल दे रखा है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का, स्फेयर अरेंज अपॉन ईच अदर इन फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट, मान लीजिए कि इसकी मैं पहले एक इसकी मैं एक लेयर बना दूँ, और इधर से भी ऐसे पूरा रेक्टेंगल बना दूँ, और एक पूरा रेक्टेंगल के जैसा बना दूँ, और उसके ऊपर एक और लेयर रख दूँ, उसके ऊपर एक और लेयर रख दूँ, तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा क्यूब बन जाएगा, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, और जो इंडिविजुअल है इसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये ऐसे ही हमको हीमोग्लोबिन, अडल्ट में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स होते हैं, याद रखना, 4 सब यूनिट्स का हीमोग्लोबिन बना होता है, 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं एंड 2 बीटा सब यूनिट होते हैं, 4 सब यूनिट एंड 2 ऑफ देम आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, 4 में से 2 आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखो 2 तो अल्फा हैं और 2 बीटा हैं, तो ये 2 आइडेंटिकल हैं और ये 2 आइडेंटिकल हैं, ये बात आगे समझ। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इतना ही है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, अब मैं पढ़ाता हूँ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ना, ये होमो पॉलीसेक्राइड्स, होमो मतलब कि एक ही टाइप के मोनोमर से बने होते हैं, जो सेलुलोज होता है ना, ये पॉलीसेक्राइड एक पॉलीमर है, और ये किस इसका जो मोनोमर होता है ये कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज, याद रख लेना, ये बीटा डी क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज, ये अभी बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि जो सेलुलोज है वो बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है, ये हम इसके डिटेल में पढ़ते हैं हम 12th क्लास की बायोमोलिक्यूल्स में। सेलुलोज किसका, किससे, जो सेलुलोज का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज, स्टार्च का मोनोमर अल्फा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का मोनोमर अल्फा ग्लूकोज, इनुलिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में क्वेश्चन आ रखा है इस पे, इनुलिन का जो होता है ना मोनोमर वो होता है बीटा फ्रक्टोज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आया हुआ था, इसका क्वेश्चन जरूर चेक करेंगे हम इस सीरीज़ के बाद, एक बार जब ये ख़त्म हो जाएगा इसके बाद मैं MTG के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी लेकर आऊँगा। अब इसके बाद है काइटिन, ये सब पॉलीसेक्राइड है, काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो काइटिन से बने होते हैं, काइटिन जो कि कॉकरोचेज में जो उसका एक्सोस्केलेटन होता है ना वो काइटिन का बना होता है, और काइटिन कहाँ पे होता है, फंजाई की जो सेल वॉल में काइटिन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन का सब यूनिट क्या होता है, हमने पहले ऊपर देख चुके हैं कि अल्फा मेड ऑफ अल्फा ग्लूकोज से बना होता है, स्टार्च भी अल्फा ग्लूकोज से ही बना होता है, और सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है, ये बात याद रखना। ग्लाइकोजन मेड ऑफ अल्फा ग्लूकोज यूनिट स्टोर्ड, ये जो ग्लाइकोजन हमारे, इसको एनिमल स्टार्च भी हम बोलते हैं इसको, और ये कहाँ पे स्टोर होता है हमारी बॉडी में, लीवर एंड मसल्स, कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन, मोर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर देन स्टार्च, स्टार्च से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, ये इस पॉइंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा। अब देखो स्टार्च दो पार्ट से बना होता है, एक होता है अमाइलोज हेलिकल होता है और अनब्रांच्ड होता है, इसमें ब्रांचेस नहीं होती, ये लीनियर होता है जो अमाइलोज पार्ट होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन पार्ट होता है वो होता है ब्रांच्ड, ठीक है। तो जो स्टार्च होता है वो किसका बना होता है, अल्फा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन भी अल्फा ग्लूकोज का बना होता है, स्टार्च भी अल्फा ग्लूकोज का ही बना होता है, लेकिन जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और भी ज़्यादा ब्रांच्ड होता है,
स्टार्स के कंपैरेटिवली। मोर हेलिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है मोर ज्यादा और बहुत ही ज़्यादा हेलिकल होता है। फॉर्म्स स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अपने हेलिकल स्ट्रक्चर में ये आयोडीन के मॉलिक्यूल को होल्ड करके रख सकता है। इट कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल पोर्शन में आयोडीन के मॉलिक्यूल को होल्ड करके रख सकता है। स्टार्च आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या बनाता है, ब्लू इन कलर। तो यही जो स्टार्च होता है ना आयोडीन की प्रेजेंस में ब्लू कलर दे देता है, इसीलिए क्योंकि अपने हेलिकल स्ट्रक्चर में ये आयोडीन को होल्ड करके रख सकता है और इसीलिए वो क्या होता है, ब्लू इन कलर। अब हम पढ़ेंगे सेल्युलोज। सेल्युलोज किसका मोनोमर होता है, सेल्युलोज का मोनोमर क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज मिलाकर क्या बनाते हैं, सेल्युलोज। ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ में। सेल्युलोज डोंट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसिस एंड कांट होल्ड आयोडीन। जो सेल्युलोज होता है वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता है। प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जो पेपर जो हम बनाते हैं ना, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेलुलोज, वो भी सेलुलोज होता है। जो कॉटन फाइबर होता है वो भी क्या होता है, सेलुलोज। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। काइटिन को आप देखते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। जो आर्थ्रोपोड जो कॉकरोचेज वगैरह का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है, दीज आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। ये क्या होता है, इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना वो होता है ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। इसमें हम पढ़ते हैं नैग, NAG एंड नैम, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसमें काइटिन, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का वो काइटिन का बना होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बस इस पॉइंट इसमें।